तो कल आदि पुरुष को झेलने के बाद जो कष्ट मैंने अपनी इन दोनों आंखों को दिया है उसका प्रायश्चित करने के लिए आज मैंने देखी एक्सट्रैक्शन 2। एंड भाई मैं इस मूवी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इस मूवी का पहला पार्ट यानी कि एक्सट्रैक्शन अपने एक्शन के लिए जाना जाता है एंड द सेकंड पार्ट डिलीवर्स इट एज वेल। इमेजिन करो एक प्रिजन है, प्रिजन के बीच में एक यार्ड है, उस यार्ड में 100 से 200 कैदी खुले घूम रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भसड़ मची हुई है, उसको रोकने के लिए 100-200 पुलिस वाले भी वहां पे लगे हैं, मतलब फुल हाई अलर्ट पे है प्रिजन। अब उस यार्ड के बीच से तुम्हें एक लड़की को बचा के ले जाना है तो तुम कैसे लेके जाओगे? अब इन पॉइंट्स को सुनने के बाद शायद तुम्हें राजा मौली की RRR मूवी याद आ रही होगी, क्योंकि रामचरण के इंट्रो सीन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, जहां पे 1 man vs 1000 man वाला कॉन्सेप्ट था, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इस मूवी के अंदर ही है। जब मैंने RRR का वो इंट्रो सीन देखा था ना, तब मुझे लगा था कि इससे बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाया जा सकता, बट आई वॉज रॉन्ग, दिस मूवी प्रूव्ड मी रॉन्ग। और इन सबको मिला के जो पूरा जेल ब्रेक सीन बनता है, इट लुक्स फ्रीकिंग कूल। और उससे बड़ी बात पता है क्या है, जितना भी एक्शन सीक्वेंस होता है ना यहाँ पे इस जेल ब्रेक सीन में, वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और रियल फील होता है। और यहाँ पे बात खत्म भी नहीं होती, जब से जेल ब्रेक सीन स्टार्ट होता है मूवी में, उस पॉइंट से लेके आगे 22 मिनट तक एक चेस सीन है जो कि एक्शन पैक्ड है और तुम्हें अपनी सीट से हिलने भी नहीं देगा। और इन सब में से बेस्ट बात पता है क्या है, इस 22 मिनट के लंबे चेस सीन के अंदर भी 2-3 बड़े बड़े वन शॉट सीक्वेंसेस भी हैं, आंखें तृप्त हो जाती है कसम से देख के। और इसी 22 मिनट के चेस सीक्वेंस में सबसे पहला तो वो जेल ब्रेक वाला सीन है, जिसके अंदर बहुत कूल से 2-3 वन शॉट सीक्वेंसेस हैं, जिसको तुमने एक्सट्रैक्शन के टीजर के अंदर भी देखा होगा। और उसके बाद स्टार्ट होती है कार चेस सीन, जो कि देखने में बहुत ज्यादा दमदार है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, जब भी कार चेस सीन खत्म होता है तो ये चेस सीन कंटिन्यू होती है एक ट्रेन के अंदर, और एक चलती ट्रेन के अंदर किस तरह से एक्शन सीक्वेंस को इन लोगों ने दिखाया है उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड सिनेमा, 22 मिनट का फुल एक्शन पैक्ड चेस सीन, जिसको देखते हुए तुम अपनी सीट से हिलोगे भी नहीं। और मेकर्स के लिए इतना काफी नहीं था तो इसके ऊपर से सीन के बीच बीच में टाइलर रेक भैया के बड़े बड़े हैवी डायलॉग्स डाल दिए हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा कब से एक्शन एक्शन की ही बात कर रहा है, तो भाई साहब एक्सट्रैक्शन फ्रेंचाइजी इज ऑल अबाउट एक्शन, लेकिन फिर भी एक रिव्यू वीडियो है तो बाकी एस्पेक्ट्स को भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टोरी पे आते हैं तो स्टोरी बहुत सिंपल है, टाइलर रेक यानी कि अपने थॉर भैया, उनकी एक्स वाइफ की बहन एक जेल के अंदर बंद है अपने फैमिली के साथ, और अपने हीरो यानी कि टाइलर रेक को उस बंदी को वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकालना है। एंड एक्चुअली में ये जो जेल है वो उस सिटी के अंदर है जहां पे एक फुल्ली इक्विप्ड आर्मी है, लिटरल आर्मी, जो कि अपने लीडर के कहने पे मरने मारने को तैयार है। तो इन सिंपल वर्ड्स, इट्स टाइलर एंड हिज टीम वर्सेस अ होल फ्रीकिंग आर्मी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो भाई साहब इस मूवी के हर एक एक्टर ने एफर्ट डाली है और ये तुम्हें स्क्रीन में दिख जाता है, बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस थी हर एक एक्टर के द्वारा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसमें अपने थॉर भैया सस्ती कॉमेडी नहीं कर रहे, तुम्हें पता है की बात कर रहा हूँ। मूवी ओवरऑल एक सीरियस टोन को पकड़ के चलती है और हाँ, इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और रॉ फील होते हैं। हो सकता है मूवी तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो फील हो क्योंकि वो स्टोरी बिल्ड करती है, लेकिन जब एक बार एक्शन सीक्वेंसेस स्टार्ट होंगे तो वो थमने का नाम नहीं लेंगे। मैं तुम्हें ये मूवी सजेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, यू कांट मिस इट। एक्सट्रैक्शन 2 नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अभी जाके देखो, तुम रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे। और हाँ, अगर तुमने मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, मूवी की स्टोरी तुम्हें समझ में आ जाएगी। खैर, तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो वर्ल्ड सिनेमा और इंडियन सिनेमा से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।